क्या कहानी है हनुमान जी के पंचमुखी रूप के पीछे। कहते हैं हनुमान जी के यह पंचमुख पांचों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच मुख में से पूर्वी मुख वानर का है, जिसके पूजन से आपके शत्रुओं का नाश होता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुण देव का है, जिसके पूजन से संकट व विघ्न का विनाश होता है। आकाश की तरफ हयग्रीव मुख की आराधना से ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तरी मुख शुक्र यानी वारा देव समान है, जिसकी आराधना से धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है। तथा दक्षिणी मुख भगवान नरसिंह देव का है, जो भक्तों के भय चिंता परेशानी को दूर करते हैं। हनुमान जी महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से प्रधान हैं, तथा भगवान शिव जी के सभी अवतारों में से सबसे बलवान एवं बुद्धिमान अवतार हैं। रामायण में उल्लेख है कि अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण द्वारा अहिरावण की मदद ली गई और अहिरावण द्वारा विभीषण का रूप धारण कर श्री राम के शिविर में प्रवेश किया गया, जिसके उपरांत अपनी माया का उपयोग करते हुए सभी वानर सेना को नींद में सुला दिया तथा भगवान राम व लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक लेकर चला गया। जब विभीषण जी द्वारा पूरी घटना का अवलोकन किया गया तो वह समझ गए कि यह काम अहिरावण का है और हनुमान जी पूरी घटनाक्रम को समझकर पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में उनकी भेंट अपने पुत्र मकर ध्वज से हुई, जहां उन्होंने उसको भी हराकर आगे प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण द्वारा भगवान राम व लक्ष्मण जी को लेटा रखा है और वह माता काली को प्रसन्न करने के लिए बलि की तैयारी कर रहा है। वहीं पर हनुमान जी को यह भी ज्ञात हुआ कि अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अहिरावण को वरदान मिला हुआ था कि उसके द्वारा जलाए पांचों दिशाओं में पांचों दीपक को जो एक साथ बुझा देगा वही व्यक्ति अहिरावण को मार सकता है। तब हनुमान जी द्वारा पंचमुखी रूप यानी स्वयं के सिर के अलावा अन्य चार मुख गरुण नरसिंह हयग्रीव एवं वारा मुख प्रकट किया गया और पांचों दिशाओं में जल रहे दियों को एक ही फूंक में बुझा दिया गया। तभी से हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा होनी आरंभ हो गई। जय श्री राम, जय जय हनुमान।